शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चुप बिल्कुल, किसी की आवाज नहीं निकलेगी यहाँ पे। ये तो वो हाल करेंगे ना कि फिर एक कोई आवाज निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसाना देखा, समझ गए? अमा थाना है ये, मच्छी मार्केट नहीं। कब से देख रहे बकैती चल रहा है सबका? आपको क्या दिक्कत है बताइए, हमको बताइए क्या हो गया? एक एक करके मैडम उस कयामत ने, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, उस कयामत की बच्ची को। बहुत हो गया इस कयामत का, उसको ना हम सरकारी कंगन बनाएंगे, देख लेना। और ये हमारा वादा है, और ये पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। नवाब साहब, नवाब साहब, आप आदि मानव कहाँ बने हुए हैं? इन बकरियों ने रास्ते भर हमको परेशान कर दिया। आधे पत्ते थे वो रास्ते में चबा गई, और अगर आधे ये और चबा जाती तो हमारे मुंह में काली पुत जाती। पुष्पा जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारी अम्मी जान बिल्कुल सही कहा करती थी कि एक दिन कयामत आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन कुछ नहीं बचेगा। कितनी सही थी अम्मी जान। अब ये देखिए, कयामत आई, कुछ नहीं बचा, सब लेके चली गई। नवाब साहब, अपना शाही खंडहर ढकिए पहले ही। हाँ, देखिए महिला पुलिस थाना में खड़ा है, आप महिलाएं भी हैं आसपास, देखिए देखिए। उसने आपको भी लूटा? अरे उसने हमारा पर्स, हमारी चैन, हमारी घड़ी, हमारी अंगूठिया, और यहाँ तक कि हमारी गाड़ी भी लूट के ले गई। अरे ये क्या हो रहा है बताइए? अरे सरेआम वो कयामत की बच्ची ना पूरे शहर को लूट रही है, और आप लोग हैं हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। अरे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई शहर की पुलिस क्या कर रही है, और ये पुलिस जो है उस कयामत को क्यों नहीं पकड़ रही है, क्यों भाइयों? कहा ना हमने, क्या कहा हमने कि पकड़ लेंगे उस कयामत को, कुछ नहीं होने देंगे, समझ में नहीं आ रहा है? क्या पिद्दी का शोरबा, ऐसे हमने बहुत देखे सुने हैं हवाई वादे। सुनिए, हम ऐसे जाने वाले नहीं है। जब तक वो कयामत पकड़ी नहीं जाएगी ना, तब तक हम यही रहेंगे, क्यों भाइयों? एक मिनट नवाब साहब। पुष्पा जी, आपको हम पर तो भरोसा है ना? अरे पुष्पा जी, हमारी पूरी कायनात आपके ही तो भरोसे चल रही है ना। तो बस हम आपसे कह रहे हैं ना, हम बहुत जल्द उस डायन कयामत को पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। आपने कहा मसला खत्म। अरे आपकी जुबान और हमारा ईमान, अब हम यहां से चलते हैं। लेकिन खुदा की कसम 24 घंटे की मोहलत देते हैं आपको छोड़ के। वो कयामत की बच्ची अगर नहीं पकड़ी गई तो खुदा कसम हमारी बहुत ऊपर तक पकड़ है ना, हम इस थाने को छोड़ेंगे न थाने वालों को। तो फिर हम चलते हैं पुष्पा जी, खुदा। चलो भाइयों, चलो। इतना सब होने के बाद भी और इतने कमिटेड क्राइम के बाद भी कयामत अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बची हुई है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये केस SHO हसीना मलिक देख रही हैं, और हमारे डिपार्टमेंट को उनकी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है, और हमें भी यह विश्वास है कि बहुत जल्द उनके जरिए कयामत कानून की गिरफ्त में होगी। क्या यह सच है कयामत आपकी रिंग चुराकर भाग गई है? अगर यह सच है तो क्या यह पुलिस विभाग पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? देखिए उस दिन पुलिस विभाग की होली थी,
और हम सब पर होली के भांग का इस तरह से सुरूर चढ़ा हुआ था कि हमें पता भी नहीं चला कि कब क्या हुआ। इसी का फायदा कयामत उठा कर ले गई। इतने बड़े पुलिस अधिकारी होकर अपने भांग पी? आपने कभी होली पर भांग नहीं पी? अगर हमने अपने होली सेलिब्रेशन में थोड़ी सी भांग पी ली तो क्या कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? हम पुलिस वालों को साल में एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो क्या उस दिन भी हमें एक आम इंसान की तरह जीने का कोई हक नहीं है? हाँ तो हमारी कोई निजी जिंदगी नहीं होती क्या? वैसे माफ कीजिएगा, हमने सुना है कि आप दोनों का मेरा मतलब है कि आपका और हसीना मैडम का कुछ चल रहा है। देखिए जी नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सब सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि आप सब मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है यहाँ पर कयामत, तो उसी से रिलेटेड सवाल हो तो बेहतर होगा। तो हसीना जी, इस मुद्दे के बारे में आप और क्या कहना चाहती हैं? जी नहीं, आपसे नहीं, हम कयामत को ये मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्टली। नमाज तक मानते आए हैं कि जुर्म खत्म होना चाहिए मुजरिम नहीं, इलाज जड़ का होना चाहिए पत्तों का नहीं। लेकिन इस बार शायद पहली बार हमें अपने सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम और हम मिलेंगे ना कयामत, वो दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, तुम तो हमें बहुत अच्छे से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि हम खोखली धमकियां कभी नहीं देते, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कहीं उनको हम पर डाउट तो नहीं हो गया? So see you soon, कयामत। बहुत जल्द मुलाकात होगी, और वो भी बिना मास्क के। जय हिंद। अब तुम्हें क्या हुआ? बीपी बढ़ गया है मेरा। मैंने कहा था कि दोबारा उस हसीना मलिक से पंगा मत लो। देखो, इससे पहले कि हसीना मलिक हम तक पहुंचे, हम उसकी पहुंच से कहीं दूर निकल जाएंगे। शांत, वो छोड़ेगी नहीं हमें, वो पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। मरे, चुप, एकदम चुप। और डरती बहुत हो तुम यार, बड़ा माल कमाना है तो खतरे भी बड़े बड़े उठाने पड़ते हैं मनी। और इस बार तो ये हसीना मलिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी है। बिगिनिंग भी हमारी होगी, इंटरमिशन भी हमारा होगा, और ब्लॉकबस्टर एंडिंग भी हमारी होगी, और फ्लॉप भी हमारी स्क्रिप्ट होगी। करिश्मा सिंह, जिसकी पहचान चुराकर तुमने इतनी लूटपाट की है, वो छोड़ देगी तुम्हें? हाथ ला गई तो बक्कल उधेड़ कर रख देगी हमारे। रानी, हसीना मलिक की गोली बस कंधे को छूकर निकल गई है, बट करिश्मा सिंह की गोली खोपड़ी को अंदर से छूकर निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो, और इस बार तो हम उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। इतना बड़ा राज जो है हमारे पास उसका, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कयामत बनकर पूरे शहर पर कहर बरसाना है, और मजबूर हसीना को हाथ मलते हुए देखना है। इसी बात पे एक शेर याद आया, अर्ज किया है। तू खेलबाजी किस्मत की, हम लगाते हैं हुनर अपना दाव पर, जीतेगा वही जिसकी शिद्दत में होगा असर। आग लगे, कीड़े पड़े, नरक में जाए, सत्यानाश उस कर्मजली का। माँ, किसे घूस रही हो? करिश्मा मैडम को और किसको? हैं? क्या? अरे क्या संतू कुछ भी बके जा रही हो? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम तो उस डायन कयामत को कोस रहे। हाँ तो उसको भी काय कोस रही हैं? क्या कयामत ने क्या बिगाड़ दिया आपका पुष्पा जी? हाँ तो और क्या करें? आप देख नहीं रही वो क्या कर रही है, कैसे शरीफ लोगों को लूटती फिर रही है वो। वेरी बैड पुष्पा जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? अरे नवाब साहब, नवाब साहब तक को नहीं छोड़ा उसने। नवाब साहब ही तो जड़ है ना, कि भाई उस बुढ़ऊ को कैसे कुछ हो गई है ना, दिल पे से चुप गई है पुष्पा जी की। बाकी पूरी दुनिया लूट गई उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुढ़ऊ, उसको कैसे कुछ हो गया, उस बात का बुरा लग गया। नहीं, हमें सबके लिए बुरा लग रहा है भाई।
पुष्पा जी एक सेकेंड आप सोचिए ना, आप क्या बोल रही हैं? कयामत कितनी अच्छी थी, वो लोगों को जस्टिस दिलाती थी, उनकी हेल्प करती थी। आप अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, क्राइम कर रही है, लोगों को लूट रही है, आप वो भी तो सोचिए। गुड ऑब्जर्वेशन। ये अक्कल का बात संतू इनके दिमाग में डालो। ये जो सिंगाड़े खाती हो ना तुम, ये सिंगाड़े इनको पुष्पा जी को खिलाओ तुम रोज, समझ? संतू सिंगाड़े बाद में। अच्छा बात चल रही है। हाँ, ये जो आप कोसती रहती है ना, इसको कोसना बंद करो। कितना अच्छा काम कर रही थी वो। नहीं, हमारे थाने का, हम सबका हेल्प ही तो कर रही थी। अब कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ बदल गया होगा ना। हो सकता है कि वो कयामत ना हो, असली क्यों बिल्ले, वो कयामत। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं, करिश्मा सिंह। जय मैडम। जय हिंद। ये कयामत ही है। ये अच्छाई का सिर्फ एक नाटक था। उसकी शुरुआत से मंशा लोगों को लूटने की ही थी। तजुर्बा कहता है हमारा, जो सच में दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो या तो सही तरीके से सबके सामने आते हैं, या फिर कभी सामने ही नहीं आते। मुखौटे के पीछे, नकाब के पीछे चेहरे छुपाने वाले हमेशा अपने गुनाह छुपाते हैं। ये क्या बार बार आप ये हमको क्या करती रहती हैं पुष्पा जी, समझाइए हमको क्या है? अरे मैडम 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 सुनिए, मैडम सर बोल रही है कुछ। सॉरी मैडम। कंटिन्यू। वैसे भी ये कयामत का केस बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, तो उसका असली चेहरा तो हम दुनिया के सामने ला कर रहेंगे। कैसे कैसे मैडम सर? जरूर कोई प्लान होगा। जी हाँ, है एक प्लान। ये क्या? चलिए चलिए। कैसी आवाज है ये? क्या हुआ? क्या हुआ चीते, क्या हो गया? मैडम सर, क्या हुआ? देखिए ना, ये वाला फोटो ना, यहाँ दीवार में टांगने के लिए हम खिला मार रहे थे, ऐसे ना पूरा ईंटा टूट के मेरे पैर पर गिर गया। सॉरी। हंसी आ रहा है तुमको? नहीं नहीं हंसी आ रहा है। एक मिनट मैडम सर, कुछ है यहाँ पे? क्या हो सकता है ये? माँ, किसी की लाश। हाँ, हो सकती है। तोड़ो इस दीवार को, तोड़ो। हाँ, मैडम सर। हाँ हाँ, तोड़िए, देखना तो पड़ेगा ना अंदर क्या है। हाँ चलो चलो, बिल्लू। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं, लाओ बिल्लू जल्दी। क्या हो सकता है वैसे? आराम से संभल लो। बिल्लू बिल्लू। गजब। सॉरी 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 सॉरी। अरे पगला गए होगा। सॉरी, फिर से सॉरी। अब थोड़ा सा पीछे रहिए, पीछे रहिए। पीछे पीछे पीछे। जारी जारी रखिए। खोलो इसे, खोलो जल्दी खोलो। आराम से धीरे धीरे धीरे। पुष्पा जी। मैडम सर। मैडम सर अब तो नवाब का चांदी हो गया ना पूरा एकदम, मतलब चांदी नहीं चीती, सोना सोना, ये प्योर गोल्ड है। ये मासूमियत संतु जी, इतना मासूम हो। सॉरी बोल बिल्ली बोल। आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बिल्ले तो अमीर होगा। वो कहती थी कि ऐसा खजाना किसको मिलता है ना, उसको सरकार 10% देती है। खजाना तो हमको मिला ना। नहीं, हम, नहीं, हाँ, हम कैसे, हम मानेंगे? हमने देखा है। हम सब अमीर बनेंगे क्योंकि 10% में सबका हिस्सा है ना। सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6 60% इधर ही, 40% सरकार को। एक मिनट शांत हो जाइए। पहले हम ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर तो कर दें, फिर गवर्नमेंट बताएगी कि इसका क्या करना है और किसे क्या मिलेगा, ठीक है? चलिए अब रखिए, दीजिए, रखिए वापस। एक सेकंड। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे महिला पुलिस थाना में ये खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा, क्लियर? संतोष? संतु, संतु। ओके, गुड। चलिए अब इसे बंद करिए, ये सब सफाई करिए और संदूक बाहर निकालिए। चलो 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 चलो, आराम से, आराम से। वेरी गुड, देख रहे थे। ये सारे सोने के जेवर पहनकर हम जा रहे हैं। कहाँ? सब्जी मार्केट, टिंडे खरीदने। देखो हम रिक्शा को रोक रहे हैं। रिक्शा माँ, इतना अमीर होने के बाद अब मार्केट में टिंडे लेने जा रहे, वो भी रिक्शा से। सपना कैसा होना चाहिए? अरे मेरा ड्रीम देखो, बिल्लू द स्पाई, उसका ड्रीम बिल्लू निवास, उसकी सारी सलाखें मैं सोने की करवा रहा हूँ। वेलकम टू द गोल्डन बिल्लू निवास। वेलकम। ताला, चाबी, चबूतरा, मटका, तक सोने का। हट। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ जेल में, यहाँ लॉकअप में रहेंगे आप? बताओ। पैसों का असली यूज तुम, मैं कर रही हूँ। मेरे जो क्वार्टर का नल है ना, वो नया एकदम सोने का करूंगी। संतु जी, अगर आप हुआ अपने क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमारे साथ कौन है? कहाँ? कहाँ? अरे संतु जी, बर्फीले पहाड़ों के मैदान में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की रेत है। हमने एकदम ऐसे चादर लेकर ना सिमट कर बैठे हुए संतु जी, और आप ना हमारे लिए लौकी का पकौड़ी लेकर आई हूँ। बोल रही चीता जी, लौकी का पकौड़ा खा लो। हट। संतु जी। भाई चलो चलो चलो, बस करो अभी, अपने अपने सपनों से बाहर आ और सारे जेवर निकाल के संदूक में वापस रख दो। चलो संतु, क्या कर रही हो बेटा? पुष्पा, बस एक सेल्फी प्लीज। अच्छा अच्छा, जल्दी करो, चलो। संतु जी, सेल्फी ली है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी को गलती से ना फरवाड़ और वाड़ मत कीजिएगा ना। हसीना मैडम बोली है ना कि हम लोग को खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ चीता बिल्कुल सही कह रहा है। और संतु, तुम ना इस बार अपना हाजमा जरा संभाल के रखो, वरना क्या है ना, कोई तो बात तुम्हारे पेट में पचती नहीं है, बाहर जाके चिल्ला चिल्ला के कहोगे भाई हमारे थाने में खजाना मिला है, खजाना। हाँ चलो चलो, जीते रंग। अबे क्या हुआ चपड़ गंजू, बिना चाद के वापस आ गया? भूत तो नहीं देख लिया? अंदर अंदर सोना है। अबे चपड़ गंजू, अंदर क्यों सोना है? जब सोना है तो घर पर जाकर सोना। ये वाला सोना नहीं, वो सोना गोल्ड वाला नहीं तो जो चमकता है जैसे पहले हमारे पास, वाला सोना अंदर हमने देखा। सचमुच? सचमुच मतलब क्या, हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे संदूक है, इतना बड़ा सा सोने से भरा हुआ है संदूक, अपनी आंखों से देखा। मिमिक्री की दुकान, तुझे मिल रहा है सोना, कोई सुन लिया तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। बदनाम भाई, इतना सोना हमने फिल्मों में नहीं देखा था जितना अपनी आंखों के सामने देख जा रहे, हमें कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये वाला जो हिसाब है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जी मैडम सर। जैन मैडम सर। जैन करिश्मा सिंह, कहिए। वो आप प्लान के बारे में बात कर रही थी ना कुछ? क्या सा प्लान? कयामत को पकड़ने का प्लान। संतु कह रही थी ना आपके पास प्लान है। हाँ हाँ वो प्लान, एक्चुअली उस प्लान के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये केस हम खुद हैंडल कर रहे हैं। क्यों मैडम सर? क्योंकि इस बार हम हैं मैडम सर के साथ इस केस में। मैडम सर ने हमें चुना है इस बार इस केस में उनके राइट हैंड के तौर पे। क्या है, केस बहुत बड़ा है और उसके लिए एक बहुत बड़े तजुर्बेकार इंसान की ज़रूरत है, जैसे कि हम हैं। और वैसे भी हमारे लिए भी तो एक अच्छा मौका है ना, रिटायरमेंट से पहले कोई एक केस सुलझाने का। मैडम सर, आपको सचमुच हमारा ज़रूरत नहीं है इस केस में? नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम ये केस खुद ही लीड कर रहे हैं।
और वैसे भी कितने सारे केसेस हैं थाने में, आप वो संभालिए ना। हर कोई एक केस तो हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कयामत से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो प्लीज शेयर करिएगा। मैडम सर ने केस से हमें बाहर क्यों कर दिया? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? थाने में खजाना है। हाँ रानी, मैंने खुद अपने इन्हीं कानों से सुना है। जैसे कि तुमने कहा था कि थाने पर नजर रखनी है, मैं वही कर रही थी थाने के बाहर। और मैंने सुना। पक्का ना, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, पक्का कोई गलती नहीं हुई सुनने में। थाने में खजाना है, बहुत सारा खजाना। मनी 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 मनी, मतलब कहने वाले सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। टाइम आ गया है कयामत के सही इस्तेमाल का।